नवरात्रों में जब माता की उपासना कराई जाती है, जैसे हम इन दिनों में कर रहे हैं, उस समय एक एक दिन परमात्मा के दिए हुए उन्हीं बीजों को, उन्हीं गुणों को, उन्हीं संभावनाओं को जागृत किया जाता है। जैसे एक बीज को धरती में डालें, उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, एक अच्छा वातावरण हो, जल भी डाला जाए, खाद डाली जाए, बार बार उसकी देखरेख हो, तो बीज पनप जाता है, अच्छी फसल होती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर के जो बीज हैं, जो साहस का बीज है, प्रेम का बीज है, उसको पनपने के लिए भी हमें एक वातावरण देना पड़ता है। और सबसे उपयुक्त वातावरण जो है वो नवरात्रों में देवी के नौ रूपों से आता है। हमने एक एक दिन एक एक देवी के गुणों को, उनकी दिव्यता को देखकर अपने चक्रों को और अपने जो हिडन टैलेंट्स हैं, जो संभावनाएं हैं, उस पर हमने लगातार काम किया। हमने बीज मंत्रों से एनर्जी दी अपने अंदर, जिससे हमारे जो बीज हैं वो सक्रिय हो जाएं। अब आप सभी साधकों का कर्तव्य है कि जो आपने यहाँ पर सीखा, जो आप सीख रहे हैं, उसका लगातार लगातार आप अभ्यास करते चले जाएं। नहीं तो जो जागृति मिली वह आपके अंदर ऐसी ही रह जाएगी। आपको बार बार जागृत करना पड़ेगा, बार बार देखभाल करनी पड़ेगी, तब वह गुण और विकसित होते जाएंगे। तो साधकों का कर्तव्य है कि अपनी संभावनाओं को टटोलना, संभावनाओं को जागृत करने का प्रयास करना, और उसके बाद वह पनपते चले जाएं, उसकी मेंटेनेंस करना। क्योंकि चीज़ आपने ले ली लेकिन मेंटेनेंस नहीं की तो चीज़ ख़राब होती है। ऐसे ही सक्रियता आपके अंदर आई, जागृति आई, परंतु आपने उसकी देखभाल नहीं की, आपने अपना ध्यान नहीं रखा, मन को खराब कर लिया, तो क्या होगा? जितनी मेहनत की गई थी वो सारी मेहनत बर्बाद। तो एक एक गुण पर ध्यान देना है। माता का अलग अलग रूप, अलग अलग गुण हर दिन बताए गए आप सभी को। उन गुणों को दोबारा से रिवाइज करके उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। कहते हैं माता के सभी रूपों की यदि उपासना की जाए और लगातार बड़े प्रेम से की जाए, तो उसका एक अलग फल साधक को मिलता है। जैसे महागौरी का रूप होता है, दिव्य रूप, उनका जो वर्ण है वो कहते हैं कि गोरा है, श्वेत है, बिल्कुल ऐसी ही दिव्यता, ऐसी ही आभा आपके मुखमंडल पर आती है। आपका जो ऑरा है, आपका आभा मंडल है, वैसे ही क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर, जिसके अंदर कोई भी दाग नहीं होता, कोई भी गलत भावनाएं नहीं होती। और अनेक अनेक सिद्धियां मनुष्य को, साधकों को अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। ये नवरात्रों के पर्व अत्यंत पवित्र पर्व हैं। यह आपकी दैविक शक्तियों को जगाने के पर्व हैं। इनमें सिर्फ आहार पर ही नहीं नियंत्रण किया जाता, इन दिनों अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण किया जाता है कि आपका बोलना कैसा हो, आपका सोचना कैसा हो, आपका व्यवहार कैसा हो, आप जिंदगी को जीते कैसे हैं, ये सभी चीज़ें नवरात्रों में आती हैं। और हम सोचते हैं एक दिन फास्ट रख लिया, बात बन गई, परंतु नौ दिन लगातार यदि मौन में रहकर तपस्या की जाए, आहार पर भी नियंत्रण किया जाए, व्यवहार पर नियंत्रण किया जाए, तो मनुष्य की जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से रूपांतरित हो जाती है। तो यह जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, यह जो रूपांतरण है, यह आता है देवी की लगातार लगातार उपासना से
और नवरात्रों में संयम के साथ साधना करने से। माता के जो जितने भी रूप बताए गए उनमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया तप पर और संयम पर। जो तपस्वी है, जो संयम रखता है, वह अपने भीतर के गुणों का विकास कर ही लेगा, और जो भटकता रहता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। जो बाहर की दुनिया में चीज़ें ढूंढता है उसके हाथ में कुछ नहीं मिलता, परंतु जो भीतर खोजता है उसको परमेश्वर भी मिलते हैं और संसार भी मिलता है, दोनों वस्तुएं मिलती हैं। और बाहर की यात्रा करने वाला न संसार पाता है न परमेश्वर को पा पाता है और अंत में नष्ट हो जाता है। तो नश्वर चीज़ों की तरफ हम न बढ़ें, बल्कि उस ओर जाएं जहाँ जाकर सब कुछ मिल जाएगा। तो अपने भीतर झांकना, तपस्या के मार्ग पर चलना, तप करने की आदत बनाइए, हर समय मन संयम में रहे, आपके कंट्रोल में रहे। आप गुस्से में आकर कुछ ऐसा ना करें कि बाद में आपको पछताना पड़े। कंट्रोल करें अपने एंगर को, अपने गुस्से को। यह कंट्रोल, यह नियंत्रण, यह संयम करना, यह माता के दिव्य गुण हैं। एक भी गुण आ गया तो ज़िंदगी सवर जाएगी। इस समय थोड़ी देर आंखें बंद कर माता के दिव्य स्वरूप का स्मरण करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।